और 1 जून को आपको बता दें नई गाइडलाइन जारी हुई, शाहजहांपुर के वासियों को मिलेगी राहत। कोरोना के लॉकडाउन भरी जिंदगी जो गुजार चुके हैं उनसे राहत मिलेगी। नए नियम, नया कायदा और कानून लागू होगा 1 जून से। क्या क्या लागू होगा और कै बजे से कै बजे तक छूट मिलेगी और क्या क्या दिशा निर्देश, विस्तार से बताएंगी हमारी सहयोगी मानसी अरोड़ा। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग KJN इंडिया न्यूज, माई सेल्फ मानसी अरोड़ा। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल फ्रेंड्स ऑन द चैनल। इफ स्टिल यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, देन फर्स्ट सब्सक्राइब इट और प्रेस द बेल आइकन, सो इन द फ्यूचर Whenever any of the next video will come, it will first give you the notification. शाहजहांपुर दिनांक 31/5/2021 जिला मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी श्री इंद्र विक्रम सिंह द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पूर्व पारित कार्यालय आदेश 2021 दिनांक 26 मई 2021 को अतिक्रमित करते हुए जनपद में कंटेनमेंट जोन के बाहर दिनांक 31 मई 2021 से लेकर 1 जून 2021 की प्रातः 7 बजे तक पूर्व आदेश लागू रहेंगे एवं दिनांक 1 जून 2021 से प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में निम्नवर्त गतिविधियां इस शर्त के साथ अनुमान्य होंगी कि रात्रिकालीन कर्फ्यू सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक लागू रहेगा और शनिवार और रविवार को भी साप्ताहिक बंदी कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। बाजार प्रातः 7 बजे से शाम के 5 बजे तक खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी। शनिवार व रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी। साप्ताहिक बंदी में पूरे जनपद में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया जाएगा। दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी व सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यही अनिवार्यता खरीदारों के लिए भी लागू होगी। उपयुक्त अनिवार्यता का उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। दुकान बाजार के साथ सुपरमार्केट को मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी व सैनिटाइजर व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी। कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी व शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खोले जाएंगे एवं जो 50% कर्मी रहेंगे उनको रोटेशन के साथ बुलाया जाएगा। प्रत्येक कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी व सैनिटाइजर के उपयोग की गाइडलाइंस के साथ खुलेंगे। निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करा जाएगा। प्रत्येक निजी कंपनी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे एवं इन संस्थानों में कार्यरत कर्मियों को अपने आईडी कार्ड या इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर ही आने जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। मंडियों में पूर्ण की भांति ही खुली रहेंगी परंतु घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवाएगी। प्रत्येक सब्जी मंडी स्थल में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। रेलवे स्टेशन व रोडवेज बस में 2 गज की दूरी, मास्क की अनिवार्यता एवं सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ साथ स्क्रीनिंग एवं एंटीजन टेस्टिंग भी कराई जाएगी जिससे लक्षण युक्त व्यक्ति को उपचार हेतु हॉस्पिटल में रेफर किया जाएगा। ऐसे स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था टेस्टिंग आदि की सुविधा के साथ स्थापित होगी। समस्त सरकारी व निजी कार्यालय में, औद्योगिक इकाई में, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मंडी स्थल आदि में उपरोक्तानुसार कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना कराना अनिवार्य होगा जिसमें थर्मल स्क्रीनिंग हेतु इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर एवं सैनिटाइजर की आदि की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक कोविड हेल्प डेस्क पर एक रजिस्टर की व्यवस्था की जाएगी एवं संदिग्ध व लक्षण युक्त व्यक्ति को प्रदेश की अनुमति न देकर इसकी सूचना जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रतिदिन पूर्ण विवरण के साथ यानी कि नाम, आईडी कार्ड के साथ साथ में ही मोबाइल नंबर के साथ भेजी जाएगी जिससे ऐसे व्यक्ति की स्क्रीनिंग व टेस्टिंग तत्कालीन की जा सके। स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों, कोचिंग सेंटर्स में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप की जाएगी। बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य हेतु विद्यालय आने जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय तदनुसार खोलने की अनुमति होगी।
बैंकों, बीमा कंपनियों, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखाएं, कार्यालय खुले व कार्यशील रहे। अपने ग्राहकों के लिए गतिशीलता के अनुसार 2 गज की दूरी के नियम के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हुए सेवा प्रदान की जाएगी। बैंकिंग उद्योग को गृह मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार आवश्यक सेवाओं के प्रदाताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बैंक वित्तीय सेवाओं के कर्मचारियों को उनकी आईडी के आधार पर ना जाएं तथा बैंक के खुले रहने की अवधि में उनके कामकाज में बाधा ना डाली जाए। रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी की केवल अनुमति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त हाईवे व एक्सप्रेसवे के किनारे ढाबे या खेले या खोमचे वालों को खोलने की अनुमति 2 गज की दूरी व मास्क के साथ ही। ट्रांसपोर्ट कंपनी के कार्यालय, लॉजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय तथा वेयरहाउस को खोलने की अनुमति होगी, जिसमें कंपनियों द्वारा माल आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों जोन में धर्मस्थलों के अंदर एक बार में एक साथ पर 5 से अधिक श्रद्धालु नहीं जा पाएंगे। जनपद के अंदर बसों को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाएगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाएगा। स्टैंडिंग की अनुमति नहीं होगी। संचालन के दौरान चालक परिचालकों को मास्क, ग्लव्स का उपयोग करना अनिवार्य होगा। यात्रियों को भी मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही बसों का नियमित सैनिटाइजेशन किया जाएगा। बसों में बैठने से पूर्व तथा परिवहन निगम बस स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से की जाएगी। बस स्टेशन अथवा बस स्टेशन के निकट के पास पर 108 एम्बुलेंस सेवा की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी कि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल प्रयोग की जा सके। खैर, आपको हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन इसीलिए दी ताकि आप ये समझ सके कि क्या गाइडलाइंस के साथ लॉकडाउन खोला जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर लॉकडाउन ना लगे तो प्लीज इन चीजों का खास ध्यान रखें कि मास्क पहने और सैनिटाइजर अपने साथ आवश्यक रखें। यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो हो सकता है कि हम इस महामारी से लड़ सकें। इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कीजिए। So friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell.